हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एमएस यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का पेपर, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जो कि 1206 एडी से 1757 एडी तक। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो पार्ट है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फ्रेंड्स, इसमें हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पांचों जो है कि 3-3 मार्क्स के हैं, यानी कि 15 मार्क्स के हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि यह है जजियाकर का क्या अभिप्राय है, और उसके बाद जो है जजियाकर के बारे में हमें डिफाइन करना है, और सेकंड जो है वो है मराठों के सर देशमुखी तथा चौथ से आप क्या समझते हैं, जो कि यह एक भूमिकर है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन है, खुर्रम और नूर जहाँ के मध्य संघर्ष का क्या कारण था। खुर्रम और नूर जहाँ के मध्य संघर्ष का कारण एक मेन था उनके सिंहासन का, जो कि तख्त का। और फोर्थ क्वेश्चन है, दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, इसकी स्थापना किसने की है हमें बताना है, जो कि है अकबर। फिफ्थ क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थापित कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के नाम लिखना है। महत्वपूर्ण इमारत कौन कौन से हैं, जैसे हमारे बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास, दीवाने आम, हवा महल, पंच महल आदि। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं अपने जो है सेक्शन बी के साइड, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमें अटैम्प्ट करना है एनी 2 क्वेश्चन, जो कि पर क्वेश्चन है 7.5 मार्क्स का, यानी टोटल 15 मार्क्स, और जो है 200 वर्ड्स के हमें आंसर देने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। और यह 6th क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 7th क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय हमारे भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें आप जो है कि जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था उसे इंक्लूड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और 8th क्वेश्चन है, जो कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उत्थान का वर्णन कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन बी, जो कि हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे। अब हम चलते हैं सेक्शन सी, जो कि डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें हमें अटैम्प्ट करना है एनी 3 क्वेश्चन, जो कि पर क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, यानी हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 45 मार्क्स टोटल। 9th क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का वर्णन कीजिए। 10th क्वेश्चन, एक सफल शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन कीजिए। 11th क्वेश्चन, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए, जो कि मुगल साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 12th क्वेश्चन है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का परीक्षण कीजिए। और 13th क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकला के विकास पर एक निबंध लिखें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिस्ट्री का पेपर, जो कि एमएस यूनिवर्सिटी यानी कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का पेपर था। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो फ्रेंड्स। और इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम जो कि चैनल है उसका भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे हमारे अपलोडेड है, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।